और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। रोज जाते हैं कॉलेज, वैसे ही आज फिर से जा रहे हैं। और आज के दिन में क्या होता है उसकी कुछ झलकियाँ, हाइलाइट्स दिखाएंगे हम आपको। सो मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। गाइस मिलते हैं कॉलेज में। सो गाइस आज की दिनचर्या वही रही, सेम टू सेम क्लासेस, सुबह 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक क्लासेस, और इतना बिजी शेड्यूल रहा। और फिर लंच टाइम, उसके बाद फिर से कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसको, हम तो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक लेसन प्लान बनाया जाए। और मैंने एक लेसन प्लान रेडी किया है, और इसके अलावा अभी भी काफ़ी बचे हुए। और रोज की तरह आज भी वॉलीबॉल मैच लगा हुआ है। हेलो सर, कैसे हो सर? सर आपकी कृपा, मेरी नहीं, आपने फेमस बना दिया हमें ब्लॉग में डाल के, हम धन्य हो गए इस चीज के। उसमें कितने व्यू लगे पता? 4000 वही तो। मैं धन्य हो गया, इतनी फैन फॉलोइंग, बंदे आ रहे मेरे को ऑटोग्राफ लेने के लिए। सर ऑटोग्राफ दीजिए आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर प्लेटफॉर्म दिया मैंने, प्लेटफॉर्म की ताकत समझ गए ना अभी आप? यस सर, हम आर्टिस्टों को यही तो चाहिए। आपको डिलीट करने पड़ेंगे ब्लॉग, हमें यही तो चाहिए। शादी के बाद डिलीट करने पड़ेंगे आपके थंबनेल। किसकी शादी के बाद? चलना सर आपने लघु शंका, क्या होता है लघु शंका? नहीं ब्लॉग बनाएंगे हम। नहीं ये चढ़ जाएगा भाई, नहीं मत कर दो। अच्छा, पीसफुल, ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग, वट एवर यू कैन से, बहुत अच्छा बात है। और यहाँ जेंडर इक्वालिटी का पूरा उदाहरण हमारे GCT धर्मशाला में दिखता हुआ, और नारी सशक्तिकरण जिसको बोल सकते हो आप, नारी इतनी सशक्त हो चुकी है कि बॉयज़ को अभी टक्कर दे रही है फुल। और हमारे सीनियर से कैमरे में कैद करो आप। हाँ, GCT की खूबसूरती ये देखिए, ये खूबसूरत इंसान, दिल के और मतलब देखने में भी काफ़ी खूबसूरत। और यहाँ से पूरी खूबसूरती को मैं दिखाते हुए, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छी। सर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल से पूछ सकते हैं आप, सभी सब जवाब देंगे। जवाब देने का यथासंभव प्रयास करेंगे आपके। ओके सर, सो सर आप सभी से प्रश्न है कि जब आप अभी आप सभी का जो लास्ट सेम चला हुआ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो जब आप शुरू में आए थे और अभी, उन दोनों में अगर उन दोनों के एक्सपीरियंस में कॉन्ट्रास्ट करना हो तो आप किस प्रकार से करोगे कि शुरू में आपका एक्सपीरियंस GCT में और अभी का एक्सपीरियंस, उसको बताएं आप मुझे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके श्रोतागणों को यही कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है वो सुखद तो नहीं रहा, क्योंकि शुरुआत में नई नई जगह पे आप आते हैं, नए लोगों से आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, परंतु वो है कि घर से दूर आना भी काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस है अपने आप में। परंतु धीरे धीरे जैसे आप स्वयं अपना कोई ऑब्जर्वेशन टाइम स्कूल में इंटरेक्ट करते हो बच्चों से, और जो आपकी TP का 4 महीने का जो टाइम पीरियड रहता है, काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहता है। BEd में आप बी एड का
जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो टीपी का टाइम होता है। न्यू ईयर का जो आप कंक्लूजन कह सकते हैं एक तरफ सार, मतलब चार महीने की जो आपकी टीपी रहती है वही रहता है, बाकी तो आपको पता है कि ऐसे ही चलते रहता है फर्स्ट सेम से लेकर फोर्थ सेम तक, आपको पता नहीं लगेगा। बस ऐसा है कि फर्स्ट सेम का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा अनुभव होता है क्योंकि उस टाइम नए नए होते हैं, घर से बाहर निकले होते हैं बाकी पमिल जी आपको आगे थोड़ा इस पर टीका टिप्पणी करना सर। जैसे ना आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपके फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे बने? फ्रेंड्स सर ऐसा था कि जब नए नए इस कॉलेज में एनरोल हुए थे तो उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे नए नए लोग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और फिर नए नए आकर्षित भी होते हैं, सही बोल रहे हैं जीवन जी, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो जब कोई भी नया बंदा किसी नई जगह पे पढ़ने के लिए जाता है तो एक तो सबसे बड़ी उसकी नीड होती है कि उसका कोई अच्छा दोस्त बने, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग है और बींग है ह्यूमन बींग, हमें किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम डिपेंड रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत भी पड़ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स बनाना भी कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो क्लासेस में जैसे इंट्रैक्शन के साथ साथ फिर कैंपस में फिर आप कहाँ से फिर ज़रा हम थोड़े पहाड़ से आते हैं अपर हिमाचल से, यस यस, तो फिर जैसे एक अपने पहाड़ी लोग मिल गए, ठीक है, बाकी दूसरे मैदानी इलाके के सब भी अपने भाई है, तो सबके साथ मिलजुल करके एक अच्छी मित्रता बन गई, अच्छी दोस्ती बनी और एक परिवार सा माहौल हो गया, ठीक है जी। और जो एक्स मेरे को लगता है कि ऑल ओवर हिमाचल में जो एक्सपोजर इस कैंपस में मिलता है शायद टीचर एजुकेशन के, वो किस कोई भी कॉलेज नहीं है जो बीएड यहाँ की है, जितने स्टैंडर्ड इस कॉलेज की बीएड में है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के हजारों जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सपना रहता है कि इस कॉलेज से वो ग्रेजुएट करें, ठीक है जी, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो टीजीटी या पीजीटी के कमीशन होते थे उसमें इंटरव्यू लिए जाते थे कमीशन फाइट करने के बाद, और जो इस कॉलेज से बीएड करके जाते थे उनके इंटरव्यू नहीं होते थे, इस कॉलेज का स्पेशल कोटा उन स्टूडेंट्स को मिला। गौरवमयी इतिहास रहा और यहाँ का काफ़ी गौरवमयी इतिहास रहा क्योंकि एक खाली आए थे और बहुत कुछ सीख करके बहुत कुछ तरह तरह का नॉलेज एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर, आपसे मिलकर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, आप काफ़ी फ्रेंडली लगे मुझे, थैंक यू मुझे जी। और दूसरा हमारा ऐसा भी था कि जैसे ये मित्र मंडली है हमारी और एक इनके रूममेट है नितेश भाई, तो हम ऐसा हर किसी के साथ बात करने में बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, हर किसी के साथ इंटरेक्शन करना, लड़की हो लड़का हो टीचर हो सबके साथ बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हर आदमी से एक नई नई चीजें, ये जिंदा दिली का एक एग्जांपल होता है ना, मतलब कि आप जिंदा हो। बाकी हमसे बड़े अनुभवी लोग आपके बीच में हैं, इनसे ले लो एक्सपीरियंस। पवन जी ने बहुत कुछ कह दिया, बस सब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। ब्रोट वैली का नाम इन्होंने रोशन किया। एक मिनट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान ना आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे? टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जो एक्सपीरियंस रहे वो बहुत ही अच्छे रहे, काफ़ी मेल मिलाप होता है बच्चों के साथ भी कि किस तरह से हमारे टाइम में जो टीचिंग होती थी और आज के में जो डिफरेंसेस आ गए हैं वो बहुत ही अलग हो चुके हैं। और जैसे अगर आपको एक सजेशन देना हो हम हैं तो क्या देंगे? यही कि मतलब अपने आप को प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए क्लास के अंदर, नहीं तो काफ़ी परेशानियां आ सकती है क्योंकि आजकल का जो लर्नर है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, पुराने ज़माने की तरह नहीं कि किसी पीटे चले हुए हैं तो वो चला हुआ है, लेकिन आजकल लर्नर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। थैंक यू सर, थैंक यू, काफ़ी अच्छा लगा। चैनल कौन सा है? आप देख ही सकते हैं कि कितना भयंकर मौसम हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस भर्ती की तैयारी करते हुए लोग पुलिस ग्राउंड में इस डेडिकेशन के साथ जो तैयारी करते हैं उनकी सिलेक्शन जरूर हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी पर्सन इज एंजॉयिंग, उसके साथ ब्लॉक करते हैं एंड जय श्री राम, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बाय।